हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तहरी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही ईजली फटाफट बन कर तैयार होने वाली रेसिपी है। और ये आज मैं इसको कुकर में बनाऊँगी, तो आप लोग देखते रहिए कैसे मैं कुकर में बनाती हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। सबसे पहले हम कुकर को गैस पर रखेंगे, फिर उसमें तेल डालना है और थोड़ी सी प्याज उसमें ऐड करनी है, और उस प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और फिर जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हमें उसमें आलू दो तीन दो आलू लिया है मैंने मीडियम साइज़ के, काट कर उसमें डाल दिया है। उसको हल्का सा फ्राई होने देंगे और फिर इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और साथ ही में हम डालेंगे ये धनिया पाउडर है, हल्दी है, काली मिर्च पाउडर है, नमक है, और फिर इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। जब तक भूनते रहेंगे, जब तक के तेल इसका ऊपर ना आ जाए, तो हमें पता चल जाए कि हाँ इसका इसके मसाला में जो कच्चापन है वो सब ख़त्म हो गया है। उस वक्त तक हमें इसको भूनते रहना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च, हरा धनिया, ये मैंने बारीक बारीक कट करके रखा था। अब मैंने इसको ऐड कर दिया है और इसको भी थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद से हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी तो उतना डालना है जितना चावल का डबल पानी डालते हैं, और जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब इसमें चावल ऐड कर देना है और थोड़ा सा चला लेना है, और नमक वगैरह चेक कर लेना है। अगर नमक कम है तो इसमें हम नमक भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसको हम अच्छे से चला कर नमक टेस्ट करके इसमें सीटी लगा लेंगे। एक सीटी आने के बाद दूसरी सीटी कम कर देंगे, स्लो कर देंगे, और फिर जब दूसरी सीटी आ जाएगी तो बंद कर देंगे गैस की फ्लेम। और जब गैस ख़त्म हो जाएगा तो फिर खोल के देखना है हमें। देखिए, ये मैंने खोल कर देख रही हूँ कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत लाजवाब बन के तैयार हुआ है। और आपको देखने में अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि किस तरीके से ये तहरी बन के तैयार हो गई है फटाफट से, मिनटों में, और खुशबू भी लाजवाब है। और फिर अब मैं आप लोगों को इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप लोग मेरे इस बताए हुए तरीके पर एक बार ज़रूर से बना कर देखिएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।